दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएस के जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर पेपर से जो जीके के जीएस के प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जो यूपी ट्रिपल एससी का पेपर हमारा है वो 28 और 29 अक्टूबर को होना है, जिसके लिए जो हमारे लिए 10 दिन बाकी हैं। तो हम इस प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसका जीएस का जो प्रश्न है इसमें टॉप 25 प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया है 108 बी 110 सी 173 डी 166। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ये हो जाएगा 108 जो है, अनुच्छेद 108 में जो है संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान वर्णित है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर दो, विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अमेरिका, बी सिंगापुर, सी फ्रांस, डी स्विट्जरलैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। सिंगापुर में जो है विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन हुआ था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर तीन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्षों का होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए दिया 15, बी 5, सी 10, डी 9। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी जो है, 9 न्यायाधीशों की जो अवधि पदावधि होती है 9 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि जो होती है 9 वर्षों तक होती है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर चार, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है तो कब तक भर लिया जाना होता है? तो ऑप्शन हमारा दिए 1 महीने में, बी 3 महीने में, सी 14 महीने में, डी 6 महीने में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 6 महीने के अंदर जो है राष्ट्रपति के राष्ट्रपति का जो पद है वो भर लिया जाना चाहिए। यानी कि यदि राष्ट्रपति जो अपने पद पर नहीं है तो उसके अंतर्गत उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे और वो 6 महीने के अंतर्गत वहाँ पर जो है राष्ट्रपति जो है चुना जो है जाना चाहिए। यानी कि 6 महीने से ज़्यादा जो है राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर पाँच, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कोई नहीं, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल, डी क्षोभ मंडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन जो है डी वाला ऑप्शन, क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो है क्षोभ मंडल पर होता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर छः, भारत में रिमोट सेटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है के कस्तूरी रंगन, बी आर के नारायण, सी मदन मोहन, बी नंबी नारायण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, के कस्तूरी रंगन जो है भारत में रिमोट सेटेलाइट प्रोग्राम के जनक हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर सात, हमारा प्रश्न नंबर सात है रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, डी मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है रासायनिक रूप में। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न हमारा आठ है, सात टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मुंबई, बी कोलकाता और सी कोची और डी वास्को डी गामा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ए सही हो जाएगा। मुंबई को जो है सात टापुओं का शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्वीडन, बी इंडोनेशिया, सी डेनमार्क, डी नॉर्वे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा, डेनमार्क का जो है ग्रीनलैंड जो डेनमार्क देश का अभिन्न अंग है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका, डी दक्षिण अफ्रीका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, जो टेलर घाटी ऑस्ट्रेलिया देश में अवस्थित है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 11, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चंडीगढ़, बी पुदुचेरी, सी लक्षद्वीप, डी नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा बी सही हो जाएगा, पुदुचेरी में जो है भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है चतुर्थ, बी तृतीय, सी दूसरे और डी पांचवी। तो इस प्रश्न का सही हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चतुर्थ जो है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत जो है भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ब्राजील, बी भारत, सी नॉर्वे, डी पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नॉर्वे देश में जो है सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न हमारा है किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय में से परामर्श मांगने का अधिकार है, तो किसको है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी उपरोक्त दोनों को, इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति को जो है किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एनिलीन, बी कार्बामाइड, सी क्लोरोइथीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, कार्बामाइड जो है यूरिया का रासायनिक नाम हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी केरल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु जो है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च जो है तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 17, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया है प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, उपराष्ट्रपति की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत और डी ऑप्शन हमारा दिया है उपराष्ट्रपति की सलाह पर 85 के तहत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा सी वाला सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद जो है 85 के तहत जो है लोकसभा भंग करते हैं राष्ट्रपति, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 19, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी शिमला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता में जो है भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण जो है कोलकाता शहर में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 20, बौद्ध धर्म कब बट गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है प्रथम बौद्ध संहिति के बाद, द्वितीय बौद्ध संहिति में और तीसरा ऑप्शन है चतुर्थ बौद्ध संहिति और चौथा ऑप्शन है तृतीय बौद्ध संहिति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, चतुर्थ बौद्ध संहिति के समय जो है बौद्ध धर्म जो है बट गया दो शाखाओं में। तो अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 21, भारतीय जागृति का जनक किसी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया है दयानंद सरस्वती, बी दादा भाई नौरोजी, सी स्वामी विवेकानंद, डी राजा राम मोहन राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय जो है भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है इन्हें। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 22, ब्रिटेन की मार्गरेट थैचर को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शांति महिला, बी लव महिला, सी वीर महिला और डी लड़ाकिन महिला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, लौह महिला के नाम से जो है ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को लौह महिला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 23, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा ये दिया 1910, 1912, ऑप्शन सी है 1915, ऑप्शन डी है 1918। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, 1912 ईस्वी में जो है बिहार बंगाल से अलग हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 24, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी,
ऑप्शन बी है वॉरेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड वेलेसली, डी लॉर्ड कार्नवालिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कार्नवालिस जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा इनके शासनकाल में शुरू हुई थी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी। तो ऑप्शन हमारा ये दिया है 15 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष और ऑप्शन डी 21 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा, 15 वर्ष जो है आयु सीमा होती थी बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए। तो ऑप्शन ई हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आप जो है कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताएंगे कमेंट के माध्यम से। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और इसी प्रकार की जो है प्रैक्टिस सेट हमारा डेली इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।